गाइज मैं फिलहाल पहुंचा हूँ कल्याण शरीफ में, और यहाँ पर एक अंकल है। यह आपको अपने आप को बता रहे हैं कि मैं पहले हिंदू था और बाद में मैं मुसलमान बन गया, ये अपने आप को बता रहे हैं। चले गाइज इनसे हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक बैग लेने आया था यहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई। चले गाइज इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कैसे मुसलमान, क्या इन्हें क्या अच्छा लगा जो ये मुसलमान बन गए। चले जी मालूम करते हैं इनसे, अंकल से। सलाउद्दीन, कहाँ से हो आप? हम तो वैसे चेन्नई से हैं। चेन्नई, तमिलनाडु? हाँ, लेकिन यहाँ पर है हम कम से कम 32-35 ईयर्स। 32-35, काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, अच्छा, तो अब यहाँ पर खुद की ज़मीन होगी आपकी? ना ना, मैं अभी किराए से रहते हैं। ओनली वन पर्सन। आई हैव माय फैमिली स्टेइंग ओनली इन वेयर? चंडीगढ़। चेन्नई। चेन्नई, मैं अकेला हूँ। तो वहाँ पर जाते रहते होगे? हाँ, जाते आते रहते हैं। आई एम जस्ट वर्किंग एंड आई एम टीचिंग चिल्ड्रन ओवर हियर। हां, गिविंग ट्यूशन, जैसे 12वीं तक के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, मैं पढ़ाते रहता हूँ। अब वहीं पे है, अब जॉब करते हो? हाँ, जॉब भी करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ जॉब। दिस इज नॉट माइन, ये आपके इसमें आया, योगा सद्दाम हुसैन। यस यस, वो ओनर है इसका। ओनर है वो, ये भी और दूसरी भी दुकान इधर बगल में जो खुली है, ये दोनों उनके हैं। मैं आया था उस टाइम पे जब मेरी 89 को प्रॉब्लम था। 89, मेरी ग्रैंड चाइल्ड, मेरी लड़की, एक लड़की है मेरी बड़ी, उसके 6 बच्चे, उनमें से जो लास्ट वाली बच्ची थी उसका हार्ट का प्रॉब्लम था, छोटी सी उसका छेद था। तो हम लोगों ने उस टाइम पे सब जगह पे गए, कहीं भी कुछ नहीं, वजह गरीब नवाज के यहाँ भी आते जाते रहे। एक्चुअल में वीवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, मैं एक हिंदू था। आप हिंदू थे? हाँ। अरे वाह। जब किसी ने मुझे बोला कि आप हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे, आपकी बच्ची अगर वहाँ से ठीक होगी तो समझो हो गई, अगर वो नहीं ठीक कर सकेंगे तो समझो कोई नहीं ठीक कर सकेगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ ले के आया। तो आप मुस्लिम कितने साल पहले बने? हो गया अभी कम से कम मे बी 25-30 ईयर्स। अच्छा, तो पहले क्या नाम था सर आपका? आई माय नेम वाज संतोष। संतोष नेम पहले। एंड आई एम अ पंडित। पंडित? यस, आई एम फ्रॉम द हायर कास्ट, बट व्हेन आई वेंट अब्रॉड, जैसे सऊदीया के बगल में थे जी। तो मेरी खाला ये लोग ने वहीं पे इस्लाम कबूल किया था। माशाल्लाह। हाँ, तो उनके देखा देखी फिर मुझे वहाँ पर क्या था, किताबें थी घर में जी, किंग फहद बोल के जो थे वहाँ पर, जो सऊदी अरब के किंग जी जी, तो उनकी यूनिवर्सिटी से किताबें आती थी। हमारे यहाँ आपको मालूम है साउथ इंडियन लोग ज़्यादातर इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी वेरी रेयर। हाँ हाँ, तो वो उनके घर में किताबें थी, तो मुझे किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैं वो किताबें पढ़ते पढ़ते आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट अट्रैक्टेड टू दैट। और फिर उन्होंने कहा क्या ख्याल है आपका, मैंने बोला यस। तो कलाम पाक आपने अच्छे से समझा वैसे वहीं पे? अच्छा अच्छा, पूरा कलाम पाक पढ़ा है जी माशाल्लाह। हाँ, 30 पारे पूरे वहाँ पर पढ़े हैं। अच्छा, आप पहले आपकी खाला बनी थी मुस्लिम है ना? वो लोग उनकी फैमिली पूरी पूरी की पूरी फैमिली है। अभी तो वो सिटीजन है वहाँ पर, माशा उनका अपना बिजनेस है वहाँ सऊदी अरब में, सऊदी में बहरीन, बहरीन में माशाल्लाह, सऊदी के बगल में ही है, अच्छा देश है, लेकिन बहुत अच्छा देश है। तो वहाँ पर तो मैं वहाँ 5 साल रह के आ चुका हूँ, बहरीन में। बहरीन में तो मैं कन्वर्टेड हो गया। अच्छा, एंड दे वर वेरी हैप्पी, वो शेख ये लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि एक एडुकेटेड पर्सन जो इतना मतलब पढ़ा लिखा होता है। आपने क्या क्वालिफिकेशन किया सर? मैं तो ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, एंड आई वाज लाइक बैचलर ऑफ कॉमर्स, बहुत मुझे ऑफर। अच्छा सर, आपको हिंदू में और मुस्लिम में क्या अच्छा लगा? सर हिंदू भी अच्छे होते हैं वैसे, ऐसा नहीं है, हम लोग उस टाइम पे थे जी, लेकिन जो मैंने पढ़ा जी, मुझे वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इंसानियत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया हुआ और कुदरत को आपने कभी चोट नहीं पहुँचा नहीं। ये सबसे मेन चीज़ ये होती है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, टेक केयर ऑफ दिस अर्थ। ये पूरी कायनात उन्होंने बनाई किस लिए? हम लोगों के लिए बनाई। यस, तो ये हमारा काम है। जैसे हम बोलते हैं ना, बिजली वाली को बोलेगा तो सिर्फ बिजली वाला उसको ठीक कर सकेगा, एक कारपेंटर जाके बिजली थोड़ी ठीक कर सकेगा। तो हमें इंसानों को ज़्यादा माइंड इसलिए दिया जानवरों से भी, ताकि ये संभाल सकता है मेरी विरासत को,
जी बेशक, यू कैन टेक केयर। अभी आप देखो, आप एक फ्रिज लेके आओगे घर पे, ठीक है, यही चाहे। मैंने कितने लोगों को कन्वर्ट भी किया है इस्लाम में। आपने कन्वर्ट किया है बहुत से लोगों को, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया सर आपने। बिकॉज देखो, हर एक का अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है जी, किसी को समझाना, लेकिन तरीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, हाँ, जो प्यार मोहब्बत से लेके आओ जी। प्यार मोहब्बत सबसे अच्छी है। यू हैव टू सेट एन एग्जांपल ऑफ योरसेल्फ। आपने अपना एग्जांपल, मैंने इंग्लिश को हमारे इस्लाम में लेके आया हूँ, वहीं पे बहरी में। मैंने उनको यही बताया था, यू टेक अ फ्रिज, पानी लाना है आपने, बर्फ ऊपर जमा होता है, आपको बर्फ जमानी पड़ती है, क्योंकि उसमें तीन चार खाने होते हैं, एक बर्फ का होता है, एक ठंडे पानी का होता है, एक फ्रेश फ्रूट एंड सब्जी, ये सब रखने का। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमें इतना बड़ा फ्रिज दिया हुआ है, जिस इसका तो कनेक्शन, अगर कभी लाइट नहीं आएगी तो कनेक्शन गया तो फिर ये सारा डाउन, कभी गैस निकल जाएगी तो डाउन। लेकिन वो फ्रिज ऐसे बनाया उन्होंने जो हमेशा 24 घंटा 12 महीने चलती है। कौन सा पहाड़, बर्फीला जी जी। हमें तो फ्रिज में जाना पड़ता है पानी लेने के, वो तो हमें हमारे हाथों तक पानी पहुंचाता है, नदियों के जी, बेसक और फ्रेश वाटर स्प्रिंग जी, नो डाउट। हाँ, तो हमें फ्रिज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती जी जी जी। उन्होंने ऐसा फ्रिज बनाया, बेशक। तो इससे बढ़कर और कौन हो सकता है जी, बेशक। तो मैंने यही समझाते हुए, देन आई गिव सर्टेन एग्जांपल, जैसे हमारे पुराने नबियों के हिसाब से मैं बोला, देखो यू आर क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी भी है, हर चीज़ है, लेकिन सर मैं आपके पास ना बाद में आऊँगा इंशाल्लाह, मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, फिलहाल मेरी मम्मी खड़ी है वहाँ पे बाइक के पास, अच्छा, जाता हूँ। अच्छा लगा मुझे आपसे बहुत बात करके, सच में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाइस मीटिंग यू सर, थैंक यू सर। देखो आप यकीन नहीं करोगे, रियली में ये ओम ओम था, लेकिन हमने इसको ये और कोशिश करो मिटाने की, नहीं मिटा, अब और मिटेगा, ये मिटेगा ना, ये घाव था ना, ये तो मैंने रखा था लोगों को बताने के लिए, सी आई हैव कम हियर, व्हाई, थैंक यू सर। ये जो अंकल थे ना, ये पहले हिंदू थे, क्या थे, हिंदू, ये पंडित जी थे जो शर्मा जी बोलते हैं, ये पहले शर्मा जी थे यानी कि पंडित, फिलहाल ये मुस्लिम हो चुके हैं। क्या वजह बनी जो ये मुस्लिम बन गए, बिल्कुल गए, इनकी जो बच्ची थी ना, उनके जो दिल होता है ना उसमें छेद था, ऐसा कुछ बता रहे थे ये, मुझे मालूम नहीं है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर जब ये साबिर पाक की मजार पर आए, दरगाह पर आए, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आकर उनकी जो बच्ची थी, उनका जो हर्ट था, उसमें जो प्रॉब्लम थी, वह यहाँ पर आकर ठीक हो गई, इसलिए इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और ये बता रहे